Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform AgriWorks Education. Friends, today's video is our lecture series Government Scheme, in which we will discuss the important scheme of Ministry of Rural Development, that is Deen Dayal Upadhyay Gramin Kausal Yojana. So let's begin the video. सबसे पहले हम बात करेंगे DDU ग्रामीण कौशल योजना के बारे में. इसको लॉन्च कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को. यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर और इसको अंत्योदय दिवस के दिन लॉन्च किया गया था. DDU GKY इज अ पार्ट ऑफ ए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, जो डे NRLM एक स्कीम चलती है उसका ही एक पार्ट है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रूरल पुअर फैमिलीज हैं उनकी इनकम को या उनके जो एम्प्लॉयमेंट है उनका कैरियर है उसको बढ़ाना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी रूरल यूथ है बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 35 ईयर्स, जिनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच में है, वो लोग एलिजिबल हैं. स्पेशल कंडीशन भी है SC ST वीमेन, PWD और जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं इनमें 15 to 45 ईयर्स तक की एज एलिजिबल होगी. 10 साल का यहाँ एडिशनल क्राइटेरिया है और जितना भी बेनिफिशियरी होगा उसमें से 1/3 बेनिफिशियरी वीमेन होना चाहिए. ये इस गाइडलाइन का एक मेन पॉइंट है. की फीचर की बात करें तो DDU GKY एम्स टू स्किल रूरल पुअर एंड प्रोवाइड देम द जॉब अपॉर्चुनिटी टू अर्न रेगुलर वेजेस और मिनिमम वेजेस. तो इसमें क्या है, प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. एक मतलब शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो DDU GKY इज अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. स्किल भी दी जा रही है, स्किल देने के बाद उनका प्लेसमेंट भी किया जा रहा है. और यहाँ पे मैंडेटरी एश्योर्ड प्लेसमेंट टू 70% ऑफ द ट्रेंड कैंडिडेट्स. यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि जितना भी ट्रेनिंग किया जाएगा उसमें से एटलीस्ट 70% लोगों का प्लेसमेंट होना चाहिए. ये मैंडेटरी एक पॉइंट है. और इसमें फोकस किया गया है जो रूरल यूथ है पुअर फैमिलीज के 15 to 35 ईयर्स तक की एज के. इसके साथ साथ 10 ईयर्स का एडिशनल प्रोविजन है फॉर SC ST वीमेन एंड जो आपका ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं उनके लिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल इंक्लूजन ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू मैंडेटरी कवरेज ऑफ सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रुप. प्रोविजन क्या है, SC ST 50% कवर होना चाहिए, वीमेन 33%, जितने भी बेनिफिशियरी होंगे उसमें से 1/3 वीमेन होना चाहिए, माइनॉरिटीज ग्रुप आपका 15%. इसके साथ साथ मिनिमम सैलरी ऑफ 6000 पर मंथ या फिर जो मिनिमम वेज होगा स्टेट का विच एवर इज हायर ये दिया जाएगा आफ्टर अ 3 मंथ ट्रेनिंग कोर्स. ट्रेनिंग देने के बाद जो उनका प्लेसमेंट होगा तो मिनिमम इतना तो सैलरी होना ही चाहिए. पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट टू कैंडिडेट, ये इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितना यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाता है या फिर सपोर्ट दिया जाता है पोस्ट प्लेसमेंट में. प्लेसमेंट होने के बाद कैरियर प्रोग्रेशन सपोर्ट दिया जाता है ट्रेनिंग पार्टनर्स को. स्किल दी जाती है, ट्रेनिंग करी जाती है और पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग करी जाती है एक साल तक सपोर्ट दिया जाता है टू द बेनिफिशियरी. इंसेंटिव की बात करें, फ्री यूनिफॉर्म दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, टैबलेट PC दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, रेसिडेंशियल कोर्सेस जैसे फ्री बोर्डिंग लॉजिंग इसका क्राइटेरिया है. पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट आपका 2000 से लेकर 6000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है. फॉरन प्लेसमेंट सपोर्ट है आपका, वन टाइम ट्रैवल सपोर्ट अगर वो बाहर जा रहा है तो 4500 का ट्रैवल सपोर्ट भी यहाँ पे दिया जाता है. इम्प्लीमेंटेशन मॉडल और फंडिंग पैटर्न की बात करें तो DDU GKY 3-tier इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में काम करता है. ऊपर आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो नेशनल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे आपका स्किल स्टेट मिशन जो SRLM के अंदर आता है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो स्किल स्टेट मिशन है ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. देन आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है PIAs जो कि PPP मॉडल में काम करती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में. फंडिंग की बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल का कुछ यहाँ पे पोर्शन रहेगा बाकी स्टेट यहाँ पे अपना पैसा लगाएगी. तो रेशो क्या है, 60:40. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमाचल प्रदेश और UK की बात करें, उत्तराखंड, तो 90:10. और जम्मू कश्मीर के केस में यहाँ पे एक अलग से एक स्कीम इसका एक सब कॉम्पोनेंट है, हिमायत कॉम्पोनेंट. तो हिमायत के अंदर 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है. अभी तक की डेटा की बात करें, आपका ये लास्ट ईयर का डेटा है April 30, 2023 का, तो इसमें बोला गया है कि 14.51 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है जिसमें से 8.7 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट दिया गया. ठीक है, तो ये एक डेटा है जो हम बात कर रहे थे कंपोनेंट की, हिमायत इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो हिमायत के अंदर क्या है, फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 to 12 मंथ्स इन अ रेंज ऑफ स्किल विद अ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग. तो इस ट्रेनिंग के अंदर या जो हिमायत प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके अंदर BPL एज वेल एज नॉन BPL कैटेगरी के लोग जो कि अर्बन एरिया में है या फिर या रूरल एरिया में है वो सब के सब एलिजिबल होंगे इस स्कीम के अंदर. जैसे जनरल स्कीम में तो क्या है कि रूरल एरिया के जो यूथ हैं उनको ही एलिजिबल किया गया, बट यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल क्राइटेरिया है कि अर्बन और रूरल के BPL प्लस नॉन BPL कैटेगरी के लोग भी एलिजिबल होंगे. इसके साथ साथ एक और कॉम्पोनेंट है रोशनी स्कीम या रोशनी कॉम्पोनेंट फॉर लेफ्ट विंग एस्टिमिस्ट अफेक्टेड एरिया, जो माओवादी एरिया रहता है. 9 स्टेट्स के 27 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के
27 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और उसके बाद रोशनी स्कीम को लॉन्च किया गया ऑन 10th of June 2013। तो ये स्पेशली फोकस करेगा आपका लेफ्ट विंग एस्टिमेट अफेक्टेड एरिया में। इसके अंदर क्या है कि 40% ऑफ द कैंडिडेट्स कवर्ड अंदर स्कीम सेल बी वीमेन, जैसे हमने वहाँ तो बात करी थी 33% होना चाहिए, बट जो ये स्पेशल 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके अंदर 40% कवरेज वीमेंस के लिए रखा गया है और एफर्ट दिया जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं PVTGs, तो इनको प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है इस स्किल ट्रेनिंग प्लेसमेंट कम स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में। अब यहाँ पे क्या प्रोविज़न है, ट्रेनिंग का क्या है, OJT यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग और पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस जो DU GKY है स्कीम, इसके अंदर 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या फिर 12 महीने का ट्रेनिंग कोर्सेज है। आप पर्टिकुलरली अदर अदर प्रोग्राम्स में यहाँ पे स्पेसिफिकली अदर अदर मॉड्यूल्स है तो उसमें आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी ये स्किलिंग कोर्सेज हैं इसमें प्रोविज़न है प्रोवाइडिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल डेज कितना है OJT का, अगर तीन महीने का उसने ट्रेनिंग लिया है तो 30 दिन का OJT यहाँ पे परमिसिबल होगा, 6 महीने के कोर्स में 60 डेज, 9 महीने के कोर्स में 90 डेज का OJT और 1 साल के कोर्स में 120 दिन का OJT यहाँ पे दिया जाएगा। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करें तो 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से उनको दिया जाएगा अप टू द ईयर ऑफ 1। 1 साल तक आपका ट्रेनिंग हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ट्रेनिंग होने के बाद आपको 12 महीने तक 1,000 रुपये पर महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। वो कैसे, वो तब दिया जाएगा जब आपका प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए आपका प्लेसमेंट हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जहाँ पे आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो 2 महीने तक आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर स्टेट के अंदर हुआ है तो 3 महीने तक दिया जाएगा और विद इन द और आउटसाइड द स्टेट डोमिसाइल, मान लीजिए आप रहते हैं उत्तराखंड में और आपका प्लेसमेंट हुआ है UP में, तो आपको 6 महीने तक 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेशल एक और यहाँ पे एक फीचर है कि अगर आप फॉरेन जॉब में यहाँ पे प्लेसमेंट होता है तो आपको मिनिमम सैलरी 30,000 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ के हिसाब से तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुशल पंजी, ये एक तरीके से एक पोर्टल है या आप बोल सकते हैं कि एक मोबाइल बेस्ड मोबिलाइजेशन टूल है जिसके अंदर जो बेनिफिशियरी है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है दोनों स्कीम का। एक स्कीम हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बेनिफिशियरी, प्लस जो RCT का स्कीम चलता है उसका भी रजिस्ट्रेशन कुशल पंजी या बोले कौशल पंजी में आपका यहाँ पे किया जाता है। अब इस कौशल पंजी का यहाँ पे नीट क्यों हुआ, पहले क्या था कि यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं था, जितने भी रूरल यूथ है नेशनल लेवल पे जिनका भी ट्रेनिंग किया जा रहा है या जिनका एनरोलमेंट किया जा रहा है तो उनका एक डेटाबेस तैयार करना था, तो उसके लिए कौशल पंजी मोबिलाइजेशन टूल को लॉन्च किया गया था 25th of September 2017 में फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अपग्रेडिंग स्किल ऑफ पुअर रूरल यूथ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फ्लेक्सिप स्किल्स डेवलपमेंट लाइक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एंड रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RCT। तो RCT एंड DDU GKY दोनों में रजिस्ट्रेशन के लिए कौशल पंजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने बात कर ली थी ट्रेनिंग प्रोविजन की, OJT की और पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट की, ठीक हो गया, रोशनी स्कीम के बारे में बात कर लिया, हिमायत स्कीम के बारे में बात कर लिया, इंप्लीमेंटेशन मॉडल 3-tier सिस्टम में होता है, फंडिंग पैटर्न देखिए ये इसकी भी बात कर ली है, इंसेंटिव की बात कर ली, की फीचर्स की भी बात कर ली कि एज क्राइटेरिया क्या है, 15 से 35 साल तक है, एडिशनल 10 साल का प्रोविज़न है, वीमेन SC ST PWD और जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं प्रिविलेज विलेज ग्रुप के जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनके लिए 15 से 45 साल का यहाँ पे प्रोविज़न है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी, आई होप ये आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।